दोस्तों सफेद कागज पर लिखवा लो, नस नस में ये चीज कैल्शियम भर देगी, एनर्जी और ताकत भर देगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूँ दिव्या शर्मा। दोस्तों अगर आपके शरीर में भी और शरीर के हड्डियों में नसों में कैल्शियम की कमी लगातार रहती है, जो कि घुटनों का दर्द और हड्डियों का दर्द पैदा कर रही है, तो आज की ये वीडियो 5 से 6 मिनट की रहने वाली है और आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। तो दोस्तों एंड तक जरूर देखिए और आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपके काम की लगे, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेगा। दोस्तों जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होती है ना, तो शरीर अपनी जरूरत के लिए हड्डियों से ही कैल्शियम लेने लगता है, यानी कि खींचने लगता है। नतीजा क्या होता है, हड्डियां कमजोर और भुरभुरी होने लगती हैं। लेकिन कैल्शियम की कमी का लेवल हड्डियों पर ही इफेक्ट नहीं डालता। जी हाँ, कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर होने के साथ साथ दांतों से जुड़ी दिक्कतें, नाखूनों का टूटना और चक्कर आना, याददाश्त में कमी, हाइट बढ़ना रुक जाती है जैसी दिक्कतें होने लगती हैं। इसीलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैल्शियम का पावर हाउस, यानी ऐसा फूड जिसमें कैल्शियम भरपूर है, इसका सेवन अगर करते हैं तो कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी। आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, जोड़ों में घुटनों में दर्द है, आपके दांत टूट रहे हैं या फिर दांतों में कैविटी हो चुकी है, नाखून पतले हो चुके हैं, टूट रहे हैं, चक्कर आता है, याददाश्त में कमी है, तो आप इसे जरूर अपनी डाइट में शामिल कीजिए। दोस्तों ये जो औषधि आपको बताने जा रही हूँ, ये औषधि भी है और आपके घर पर भी मिल जाएगी। सबसे पहले जानते हैं कैल्शियम की कमी के लक्षण। हमें कैसे पता चलेगा कि शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है? दोस्तों शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर हड्डियां और जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है, मसल पेन भी बढ़ जाता है, थोड़ी सी चोट लगने पर हड्डियों में फ्रैक्चर होने लगता है। इसके अलावा याददाश्त में कमी होने लगती है, शरीर सुन्न होने लगता है, हाथ पैरों में झंझनाहट और सुइयों चुभने जैसा एहसास होता है, पीरियड्स में गड़बड़ी होने लगती है। इसके अलावा कैल्शियम की कमी से ब्लड क्लॉटिंग भी होने लगती है। अब सवाल उठता है कि शरीर में कितने कैल्शियम की आवश्यकता है। मैं आपको बता दूं कि बच्चों के लिए रोजाना 500 से लेकर 700 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है, युवाओं के लिए 700 से लेकर 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है, प्रेग्नेंट लेडी को 1000 से लेकर 1200 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है, दूध पिलाने वाली माताओं को 2000 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। चलिए मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको दूध पीना चाहिए। दोस्तों दूध कैल्शियम का पावर हाउस नहीं है, ये नहीं है कि इसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम है। सबसे ज्यादा जिन चीजों में कैल्शियम है वो मैं आपको बता दूंगी। दोस्तों दूध के बारे में ये कहा जाता है कि ये कंप्लीट फूड है, यानी इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स और कैल्शियम विटामिन सभी भरे पड़े हैं और इजी टू डाइजेस्ट, यानी कि बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। कभी कभी कुछ लोगों में दिक्कत आती है, दूध पीने से गैस की प्रॉब्लम आती है, उनको वो अगर हल्दी या इलायची डालकर सेवन करते हैं तो ये समस्या भी नहीं आती। दोस्तों 100 ग्राम दूध के अंदर 125 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों आती है रागी। रागी को आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। रागी जो है वो कैल्शियम का पावर हाउस है। कुछ लोग उस राई को ही रागी समझ लेते हैं, जो कि गलत है। राई के दाने छोटे होते हैं, रागी के बड़े होते हैं। करीबन 100 ग्राम रागी के अंदर 344 से लेकर 365 मिलीग्राम तक कैल्शियम होता है, यानी इसके अंदर कैल्शियम बहुत अच्छी खासी मात्रा में होता है। आप रागी की रोटी बना सकते हैं। वैसे भी रागी की रोटी है जो और बाबा रामदेव कहते हैं उन्हें खानी चाहिए, जिनके भी जोड़ों में और हड्डियों में दर्द रहता है या गठिया की शिकायत रहती है, तो रागी बहुत अच्छी है खाने में। आप इसकी इडली बनाकर, इसकी रोटी बनाकर सेवन कर सकते हैं। दोस्तों अगली चीज आती है अंकुरित मूंग, यानी कि स्प्राउट। स्प्राउट के अंदर न केवल प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, विटामिन B12 बहुत अच्छी मात्रा में होता है, बल्कि इसके अंदर काफी अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। अगर रोज एक मुट्ठी अंकुरित अनाज भी, यानी मूंग के अंकुरित अनाज सेवन किए जाए तो जोड़ों और हड्डियों के दर्द नहीं होते। दोस्तों अगली चीज बहुत ही खास भी है और बहुत आम भी है। आम इसलिए है कि वो आपके घर पर आसानी से मिल जाएगी और खास इसलिए है कि इसके गुण बहुत ज्यादा हैं। दोस्तों वो है गुड़। गुड़ को अगर आप रोजाना टॉफी की तरह चूस कर खाना खाने के बाद खाते हैं, यानी कि लेते हैं,
तो ये खुद तो बहुत जल्दी पचता ही है, इसके साथ साथ जो इससे पहले आपने खाना खाया होता है, जो भी हैवी खाना खाया है, वो सब भी डाइजेस्ट हो जाता है। 100 ग्राम गुड़ के अंदर 1638 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाता है। रोजाना थोड़ा सा गुड़ ही आपको चूस कर लेना है, चबा कर नहीं लीजिए। अब जैसे गर्मियां चल रही है तो आप इसे पानी के अंदर घोल कर भी ले सकते हैं, या फिर वैसे भी चूस कर टॉफी की तरह ले सकते हैं। अगर आप गुड़ को रोजाना अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं तो आपको हड्डियों की कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। नस नस के अंदर ये कैल्शियम भर देगा और जोड़ जोड़ के अंदर कैल्शियम भर देगा। दोस्तों, लास्ट चीज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसका सेवन अगर आप कर लेते हैं तो आपके शरीर में क्या होगा, कैल्शियम की कमी पूरी होगी, बुरा कोलेस्ट्रॉल बॉडी में नहीं बढ़ेगा, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हड्डियां मजबूत होंगी, दिल मजबूत होगा, आपकी बॉडी एक स्ट्रेंथ में आ जाएगी, यूरिक एसिड की समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों, वो है तिल। आप चाहे तो सफेद तिल का इस्तेमाल कीजिए, आप चाहे तो काले तिल का इस्तेमाल कीजिए। इसके अंदर कैल्शियम तो अच्छी मात्रा में होता ही है, बाकी के जरूरी मिनरल्स भी इसमें पाए जाते हैं। सिर्फ एक चम्मच भुने हुए तिल को आप चबा कर पाउडर बनाकर दूध में डालकर, पानी में डालकर या भिगो कर कैसे भी सेवन कर लीजिए, आपकी बॉडी में जरूरी मिनरल्स पूरे हो जाएंगे। दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन बॉडी के अंदर कैल्शियम को पूरा करने के कौन कौन से साधन हैं, जो कि कमर दर्द नहीं होने देते, घुटनों का दर्द नहीं होने देते। ये जानकारी, इन्फॉर्मेशन यही तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।